जरा दिल से सुनिएगा ये मोहब्बत की दास्तान, आशीष यादव की कलम से है। ये मेरी कलम भी कितनी पागल है ना, ये मेरी कलम भी कितनी पागल है ना, अल्फाज तो मेरे लिखती है पर उनमें जिक्र तुम्हारा करती है। कुछ दिनों से ठहरी हुई है एक ही प्रश्न पर कि ऐसा क्या करूं मैं तुम्हारे लिए जो तुम मुझे अपने काबिल समझो और मुझसे मोहब्बत करने लगो और मुझसे मोहब्बत करने लगो। गुनाह तो नहीं किया है मैंने, गुनाह तो नहीं किया है मैंने, मगर गुनेगार समझा जाता हूँ। इश्क किया है फिर भी ड्रामेबाज समझा जाता हूँ, ड्रामेबाज समझा जाता हूँ। भूख लगती नहीं है मुझे पर पेट भर खाना खाता हूँ, नींद आती नहीं है मगर जागने के बाद भी सोता हूँ। जमाना कुछ भी कहे मगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है तुम आओगे इसीलिए हर रोज तुम्हारा इंतजार करता हूँ, इंतजार करता हूँ। पता है तुम उस नमाज के जैसी हो, जब तक ना समझ था तब तक चुप था, पर जब से तुम्हें जाना है बस तुम ही गुनगुनाता हूँ। हर दम तुम्हारा नाम सुनना एक आदत हो गई है और आंखें तुम्हारे दीदार की मोहताज। वैसे इश्क में बातें बहुत होती हैं लेकिन ना ये बिछड़ने की बात है ना मिलने की, ना तुम्हारे चरित्र की बात है ना तुम्हारे सौंदर्य की, बस ये तो मेरे कलम की शुरुआत है जो अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे लफ्जों को हकीकत समझना मेरे यार, वरना दुनिया तो वैसे भी मोहब्बत के विपरीत है। तुम्हारे लिए इतना लिख सकता हूँ कि हिंदी साहित्य का भी अंत हो जाएगा, लेकिन आखिर में यह कलम एक ही प्रश्न पर आकर ठहर जाएगी कि मैं ऐसा क्या करूँ तुम्हारे लिए कि तुम मुझे अपने काबिल समझो और मुझसे मोहब्बत करने लगो, और मुझसे मोहब्बत करने लगो। दिल सहमा है मगर इंतज़ार है तुम्हारा, आ जाना बस आ जाना, आशीष यादव की कलम से।